डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और इंट्रोडक्शन टू पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज पाइथन, व्हाई टू यूज पाइथन एंड वेयर टू यूज पाइथन। मतलब कहाँ पे पाइथन को हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और पाइथन एक्चुअल में होती क्या है। तो इन तीन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, तब जाके एक्चुअल में आपको इसकी वैल्यू का पता लगता है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वैल्यू का। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, वेरी वेरी पॉपुलर। अगर मैं ऑनलाइन किसी भी सर्वे की बात करूं, कितने भी स्टैट्स चेक कर लो, टॉप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें कहीं ना कहीं पाइथन का नाम आपको मिल ही जाएगा। अगर आप टॉप 2 या टॉप 3 की बात करो ना, तो आपको पाइथन का नाम वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी डेवलपर्स हैं आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर लैंग्वेज की बात करें, दैट इज पाइथन। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वेन रोसन, और ये क्रिएट की थी उन्होंने 1991 में एट CWI। इट इज अ रिसर्च सेंटर इन नीदरलैंड। तो वहां पे उन्होंने ये एक्चुअल में जो है वो डेवलप की थी पाइथन लैंग्वेज। और जब ये डेवलप की तो ये बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह ही लेके आई यहाँ पे। और पाइथन इज व्हाट, इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में ही हम इसको यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, बहुत जगह पे इसका जो है वो यूज हो रहा है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, जहां पे हम मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, या इस तरीके से बात कर सकते हो कि जहां पे हम सिंटेक्स की बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो लो लेवल जो फीचर्स होते हैं उनकी परवाह नहीं करते। सबसे ज्यादा जो है वो ये मेन एडवांटेज है यहां पे कि जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहां पे पाइथन क्या है, इट इज ऑल्सो व्हाट, अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, तो हमें पहले वो चीज मेंशन करनी पड़ती है। जैसे मैं a is equal to 10 लिख रहा हूं, तो वहां पे हम सी वगैरह में क्या करते हैं, int a is equal to 10। या जावा में भी हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, उसका डेटा टाइप जैसे मेंशन करता है, नेम्स को आपको डिफाइन करना पड़ता है। यहां पे ये कोई चक्कर नहीं, अगर आपने सिंपल भी लिख दिया ना a is equal to 10 और एंटर कर दिया, तो अपने आप a जो है वो यहां पे डिक्लेयर भी हो जाएगा, उसके अंदर एक वैल्यू 10 भी आपकी आ जाएगी। अगर आप इसकी जो टाइप चेक करोगे, तो अपने आप इसकी टाइप जो है वो आपको इंट या नंबर इस तरीके से दिखा देगा। तो ये डायनामिक फीचर जो है वो इसके अंदर बहुत, इसी वजह से ये लैंग्वेज जो है वो पॉपुलरली यूज हो रही है और बड़ी ज्यादा रोबस्ट भी है। देन वाई पाइथन। वाई पाइथन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर आता है सिंपल एंड इजी टू लर्न। अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें तो इजी टू लर्न या सिंपल चलो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाइथन की, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में भी, वो है पाइथन। और उसका सिंपल सा रीजन है कि इट इज वेरी सिंपल, बिल्कुल इंग्लिश के ही आप कह सकते हो वर्ड्स है, और इसमें ज्यादा सिंटेक्स की परवाह नहीं कर रहे, हमारा सलूशन जो है वो निकलना चाहिए प्रॉब्लम का, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है, रादर देन कि ये कॉमा रह गया जी, ये ए हो गया, कुछ नहीं उन चीजों को। ठीक है, एक सिंटेक्स का पार्ट तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर कम फोकस है, रादर देन ये फोकस करता है कि कैसे हम सलूशन जो है वो फाइंड आउट कर सके। इजी टू लर्न, इजी टू लर्न है, कोई इसमें ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लर्निंग की इसकी जरूरत नहीं है। देन अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन नहीं, आप प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करो, चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, चाहे लिनक्स यूज कर रहे हो, सॉलरीज, कोई भी प्लेटफॉर्म, सब पे ये रन कर रही है। देन फ्री, फ्री टू यूज, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली। और अगर हम बात करें जैसे इसमें सिंपल या इजी, इजी टू लर्न भी है, इजी टू डाउनलोड इंस्टॉलेशन, वो भी आपके स्टेप बहुत इजी है, फ्री है एंड ओपन सोर्स, कोड भी इसका अवेलेबल है। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो भी इसको पॉसिबल है, आप कर सकते हो। देन इंटरप्रेटेड, तो बाइट कोड कंपाइलेशन है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि यहां पे पाइथन में बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर आ रहा है, आप लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको ये पंगा नहीं पहले कंपाइल करो रन करो जैसे सी सी प्लस प्लस में होता है। तो आपको करना क्या है, इंटरप्रेटर भी है, अगर आप एक बार में सारा रन करना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि बाइट कोड में ये कन्वर्ट कर देता है, और इसमें लिंकिंग लोडिंग वाला, जैसे फाइल्स को लिंक करना है लोड करना है, वो भी ज्यादा पंगा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक तरह से कह सकते हो कि स्पीड में भी वहां पे आपका बड़ा एक मेजर एडवांटेज आपको मिलता है। देन रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है।
अगर हम बात करें पाइथन की तो ये ऐसा नहीं फिक्स नंबर है, बट अगर आप नेट पे चेक करोगे ना तो अराउंड 140,000 लाइब्रेरीज जो है वो ऑलरेडी पाइथन के ऊपर बन चुकी है, मतलब पाइथन के अंदर इतनी लाइब्रेरीज ऑलरेडी है। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि जो डेवलपर है जो कोड लिख रहा है उसको बार बार स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी एक एडवांटेज यहाँ पे मिल रही है। और लाइब्रेरीज भी ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल मैथ से रिलेटेड, अगर हम डेटा साइंस रिलेटेड बात करें या फिर अगर हम बात करें AI के मशीन लर्निंग से रिलेटेड, सारे जो एडवांटेजेस है वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो टेंसर फ्लो हो गया, केराज हो गया, बॉब हो गया, मैथ पाई, नम पाई, ये सारे जो है वो आपको बड़े बड़े लाइब्रेरीज यहां पे मिलती है। देन एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल। एम्बेडेड का मतलब क्या है कि आपने सी का कोई कोड लिखा हुआ है, कोई लेट से कोई डेवलपर है या लेट से कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन आपको मिली हुई है और वो ऑलरेडी सी या जावा में लिखी हुई है, अब आप उसको एम्बेड करना चाहते हो पाइथन में, कर सकते हो, यस कर सकते हो। या फिर एक्सटेंसिबल मतलब पाइथन का कोई कोड है उसको आपको अदर में यूज करना है, क्या कर सकते हो, यस वो भी दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या है, कोड आपने लिखा एक में और उसको आप दूसरी मशीन में चलाना चाहते हो, यस आप उसको भी कर सकते हो। रोबस्ट, और रोबस्ट का मैंने आपको पहले ही बताया फीचर कि यहां पे जो है ना सबसे बड़ी एडवांटेज, एक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहां पे बड़ी एडवांटेज है कि एक्सेप्शंस को ये बहुत, एरर्स को बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल करता है, और साथ ही साथ जो कोड आप लिख रहे हो प्रॉपरली मेमोरी को मैनेज करना है, वो भी टेक्निक आपकी इसके अंदर आ रही है बाय डिफॉल्ट। मतलब डेवलपर्स के ऊपर लोड नहीं है कि तुम प्रॉपर सिंटेक्स लिखो, प्रॉपर ये लिखो, रादर देन उनका फोकस ये है कि डेवलपर सिर्फ प्रॉब्लम को लेके आए और उसका सोल्यूशन जो है वो पाइथन के थ्रू निकाल सके। Then, अब अगर बात करें कि वेयर द पाइथन इज एक्चुअली यूज, तो जहां पे भी मतलब जनरल पर्पज है, आज के टाइम पे जितने भी डेवलपमेंट जहां पे भी आप बात करोगे आप कह सकते हो कि सब जगह मैक्सिमम आपकी पाइथन यूज हो रही है, चाहे वेब फ्रेमवर्क एप्लीकेशन की बात कर लो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर लो, GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर लो, ग्राफिक डिजाइन, इमेज प्रोसेसिंग, इनमें तो सबसे ज्यादा यूज हो ही रही है, गेम डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, AI, न्यूरल नेटवर्क, ये तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज हो रही है दैट इज व्हाट एक्चुअली पाइथन स्पेशली इन दिस एरिया। देन डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ ये यूज हो रही है, ये कह रहा हूं कि मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो डेवलपर चूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में यही है। इवन स्टूडेंट्स भी आज के टाइम पे जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो एक्चुअल में इसी को दे रहे हैं। देन IoT की बात कर लो या डेटाबेस डेवलपमेंट की बात कर लो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी आज के टाइम पे जितनी भी रीसेंट आप कह सकते हो कि जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है या नई नई टेक्निक्स जो आ रही हैं उनमें सब जगह पे पाइथन जो है वो यूज हो रही है। तो दिस इज द मेजर रीजन की व्हाई, वेयर एंड व्हाट इज एक्चुअली पाइथन। तो सारे के सारे कहानी जो है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू।